बंदूक देखकर एक पल के लिए जयदेव भी हैरान हो गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करें। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी मौत का दिन आ गया है। आंखें बंद करके वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। उसी वक्त किडनैपर हंसता है और सीधा उनके पैर पर गोली मार देता है। वो बोलता है, ये मुझसे पंगा लेने की सजा, ये निशान तुम हमेशा याद रखना। बोलने के बाद वो तुरंत अपने आदमियों से ट्रक से माल निकलवाता है और वहां मौजूद अपनी शिप में भरने लगता है। सारा सामान निकालने के बाद उनका बॉस अपने आदमियों से कहता है, तुम लोग यहाँ रुककर नजर रखना, एक घंटे बाद इसको इसकी बेटी दे देना। ये बोलने के बाद वो अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से गायब हो जाता है। जयदेव देखता है कि उसके पास दो आदमी हथियार लेकर खड़े हैं। वो सबके सब ये सोच रहे थे कि उनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तभी दो गोलियां चलती हैं। इससे पहले कि वो लोग समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, तभी वहां फायरिंग होने लगती है और वो लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अचानक से उनके ऊपर किसने अटैक कर दिया। एक के बाद एक लाशें गिरने लगती हैं। पुलिस की गोलियों से सारे आदमियों का सफाया हो जाता है। पुलिस वाले दौड़ते हुए जयदेव के पास आते हैं और कहते हैं, जयदेव जी आप ठीक तो है ना? जयदेव तुरंत अपने दर्द को काबू करते हुए कहता है, मेरी छोड़ो, तुम मेरी बेटी को देखो, वो कैसी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जयदेव जब तक पुलिस वालों से बात कर रहे थे, उतनी देर में रमेश उस लेक में कूद जाता है। जो दो लोग अनन्या के साथ उसकी बोट में थे, वो दोनों मारे गए थे। अनन्या की हालत खराब हो गई थी। उसने आज तक कभी अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा बोट मौजूद नहीं थी। अनन्या की बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। रमेश अपने हाथ पैर जल्दी चलाता है और उसकी बोट तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द अनन्या को बचा लेगा। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी ब्रिज के पास आती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आरंभ था। आरंभ देखता है कि रमेश अनन्या की तरफ बस पहुंचने ही वाला है। हेमंत देख सकता था कि आरंभ इस वक्त बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद अनन्या को बचाना चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं पाएगा। हेमंत आरंभ से कहता है, आरंभ सर, क्या आप अनन्या मैम को बचाने के लिए नीचे नहीं जाएंगे? आरंभ अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात बोलता है, नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं रमेश से लड़ूंगा नहीं। आज रमेश ने अनन्या के लिए बहुत कुछ किया। मुझे पता चला था कि वो अपनी कंपनी तक बेचने के लिए तैयार हो गया था, ताकि वो 100 करोड़ से ज्यादा रकम हासिल कर सके। कम से कम अपने पुराने दोस्तों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हेमंत को एहसास होता है कि आरंभ सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने दुश्मनों को भी बराबरी का मौका देता है। वो बोलता है, आरंभ सर, जाहिर सी बात है, आज अनन्या की जान बच पाई तो वो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे डर है कि कहीं रमेश आज की सारी चीजों का क्रेडिट ना ले ले। अनन्या जी आज अगर बच पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हेमंत बार बार ये कहकर आरंभ को याद दिला रहा था कि उसको खुद जाकर अनन्या को बचाना चाहिए। आरंभ तुरंत हेमंत को रोकते हुए कहता है, भूल जाओ, हम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बस ये चाहता हूँ कि अनन्या की जान बच जाए, उसकी हिफाजत करना ही मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर हेमंत को एहसास होता है कि आरंभ सचमुच अनन्या से अंधा प्यार करता है। इसी वक्त रमेश की मदद करने के लिए दो लोग और पानी में कूद जाते हैं। रमेश के कंधों में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे कैसे भी करके अनन्या को बचाना है। आखिर में तैरते तैरते वो अनन्या की बोट पकड़ लेता है और चिल्लाकर बोलता है, अनन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बस आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। बोलने के बाद रमेश तुरंत अनन्या की बोट पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि अनन्या बेहोश हो गई। रमेश अनन्या की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। रमेश बार बार अनन्या का नाम पुकार रहा था और अनन्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। रमेश उसकी बोट को किनारे तक लेकर जाता है। वो अनन्या को अपनी बाहों में उठाता है और किनारे तक ले जाता है। हेमंत यह देखते हुए कहता है, आरंभ सर, मुझे लगता है कि अनन्या जी की हालत काफी सीरियस हो गई है, हमें एक बार देख कर आना चाहिए। ये सुनकर आरंभ बहुत परेशान हो जाता है। अब वो अनन्या को बिना देखे वहां से नहीं जा सकता था। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और रमेश की तरफ आने लगता है। रमेश जैसे ही देखता है कि आरंभ उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है, वो तुरंत अपनी गाड़ी में अनन्या को लेकर बैठ जाता है। रमेश अपने ड्राइवर से बोलता है, गाड़ी स्टार्ट करो। उसका ड्राइवर तुरंत गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल जाता है। आरंभ देखता रह जाता है और रमेश अनन्या को लेकर चला जाता है।
ये देखकर हेमंत को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि रमेश अपने आप को समझते क्या है? क्या वो एक बार आपको अनन्या जी से मिलने नहीं दे सकते थे? कुछ देर बाद अनन्या की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क से उठकर आई हो। उसकी पूरी बॉडी में काफी दर्द हो रहा था। रमेश भी बाहर कॉरिडोर से अनन्या को ही देख रहा था। वो एक नर्स से पूछता है, एक्सक्यूज मी, आपने अनन्या को अच्छे से चेक कर लिया है ना? कहीं अनन्या के साथ उन किडनैपर्स ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की? वहां की डॉक्टर ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त ये आदमी ऐसी बातें कैसे पूछ सकता है। वो फिर भी उसका जवाब देते हुए कहती, नहीं आप चिंता मत कीजिए, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये सुनकर रमेश को थोड़ी राहत मिलती है और वो कहता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भी समझ जाती है कि ये आदमी जरूर अनन्या का करीबी है, तभी बार बार दरवाजे से उसको घूरता जा रहा है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, रमेश जी उनको होश आने ही वाला है, अगर आप उनके पास बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, शायद आपको उन्हें देखकर थोड़ा मोटिवेशन मिले। रमेश डॉक्टर की बात मानकर अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि अनन्या को होश आ गया और वो धीरे धीरे रमेश की तरफ देख रही है। अनन्या को होश में देखकर रमेश खुश हो जाता है। वो सीधा उससे पूछता है, अनन्या तुम उठ गई, मैं बहुत देर से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत रमेश से पूछती, रमेश क्या तुमने मेरी जान बचाई है? रमेश मुस्कुराकर उसको बोलता है, मैं सिर्फ मैं नहीं बल्कि पुलिस, तुम्हारे पिता और आजम ने भी मदद की है। ये सुनकर अनन्या को थोड़ी राहत मिलती है। वो थोड़ी हैरान भी थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सारे लोग मिलकर उसकी जान बचाएंगे। रमेश अनन्या के चेहरे को ही देख रहा था। वो साफ साफ देख सकता था कि अनन्या का चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। वो तुरंत उससे पूछता है, अनन्या क्या उन किडनैपर्स ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? मुझे बताओ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अनन्या अपना सिर हिलाकर मना करती है और कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश उसको थोड़ा दिलासा देकर कहता, अनन्या अब तुम्हें इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जिन लोगों ने भी तुम्हें किडनैप किया था अब वो सब पकड़े जा चुके, उन्हें अपने किए की जल्द से जल्द सजा मिलेगी, वो लोग अब ये हरकत दोबारा नहीं कर पाएंगे। रमेश जब ये बोल रहा था ठीक उसी वक्त कुरैशी की सारी गैंग खत्म हो जाती है। कुरैशी जिस शिप में अपने साथियों और माल के साथ जा रहा था उसके जहाज पर कई सारे लोग मिलिट्री हथियारों के साथ अटैक कर देते हैं। कुरैशी की पूरी टीम एक झटके में खत्म हो जाती। अनन्या को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सारे के सारे लोग पकड़े गए। वो तुरंत उससे पूछती है, सच में क्या वो सब के सब पकड़े गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था कि वो सब लोग अपना सामान लेकर वहां से चले जाएंगे। ये बोलने के साथ ही अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते। उसे कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ये हादसा होगा। याददाश्त होने के बाद उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। उस दुख को वो भूल गई थी, लेकिन उसकी इस किडनैपिंग ने वापस उसके दुखों को याद दिला दिया था। उसका दिल डरा हुआ था और उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। रमेश अपनी जेब से रुमाल निकालता है और अनन्या के आंसू पोंछते हुए बोलता है, बिल्कुल ये बात सच है, वो सबके सब पकड़े जा चुके। इतना बड़ा ड्रग कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पकड़ा गया, अगर तुम नहीं होती तो इस पूरी गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल था। ये गैंग हमारे देश की सबसे टॉप प्रायोरिटी में थी, इसको पकड़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, आज तुम्हारी वजह से ये पूरी टीम खत्म हो गई। ये सुनकर अनन्या को थोड़ी राहत मिलती है। वो बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया रमेश, जो भी किया तुम लोगों ने किया, मैं तो बस एक बेजान लड़की की तरह उनकी कैद में रह रही थी, मैं वहां बस यही सोच रही थी कि शायद मेरी मौत नजदीक है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी। रमेश तुरंत उससे बोलता है, अनन्या तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, हम भला तुम्हें कुछ भी कैसे होने देंगे, तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, हम मर भी जाते ना तब भी तुम्हें बचा लेते। अनन्या अपने पिता का जानकर तो हैरानी हो गई थी, उसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे बचाने के लिए ये सब करेंगे। वो बड़ी हैरानी से बोलती है, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिता मुझे बचाने के लिए आएंगे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए ऐसा कुछ करेंगे। आखिर में वो फैसला करता है कि वो जयदेव की सच्चाई तो वो जानता था कि जयदेव ने अनन्या को इग्नोर कर दिया था,
पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सच्चाई अनन्या को बताए या नहीं ने के लिए आए थे। वो तुरंत उसको समझाता है और कहता है। वो जानता था कि अगर अनन्या को पता चल गया कि उसके पिता पहले उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे तो उससे बहुत बुरा लगेगा। वो तुरंत बोलता है, अनन्या तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे पिता तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, उनके लिए सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें पता है तुम्हें बचाने के लिए उन लोगों ने तो तुम्हारी पिताजी की बहुत बेइज्जती की। उन्हें पहले अपने घुटनों के बल बिठाया और उनसे माफी मंगवाई। माफी के बाद उन लोगों ने सीधा उनके पैर पर गोली मार दी। ये सुनने के बाद अनन्या चौंक जाती है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पिता इस वक्त घायल हो चुके हैं। वो तुरंत हैरानी भरी आवाज में पूछती, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में मेरे पिता घायल है? कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले चलो। रमेश समझ जाता है कि अनन्या परेशान हो रही। वो अभी ऊपर वाले कमरे में, उनकी सर्जरी हुई थी और उनकी गोली निकाल दी गई। अनन्या, उन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चिंता थी। ये सुनकर अनन्या को बड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जिस पिता पर वो शक कर रही थी, उस पिता ने अपनी जान पर खेलते हुए उसकी जान बचाई। उसे अब इस बात का भी दुख हो रहा था कि उसने अपने पिता पर शक किया। इसी वक्त रमेश और अनन्या की नजर दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे पर एक आदमी उन्हें दिखाई देता। उस आदमी को देखकर रमेश और अनन्या दोनों हैरान हो जाते। कौन है ये आदमी? इस हादसे के बाद क्या अनन्या अपने पिता जयदेव के करीब आ जाएगी? इन सब का असर आरंभ और अनन्या के रिश्ते पर क्या पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो विवाह मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।